आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। संविधान में कई मूल अधिकार प्रदत्त किए गए हैं और एक संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसा अस्त्र जो मानव को बेगार, मानव क्रय विक्रय, शोषण से मुक्त करवाकर गरिमामय मानवीय दशा उपलब्ध करवाता है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार है क्या। अनुच्छेद 23 में इसे वर्णित किया है, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती किए जाने वाले श्रम को प्रतिषिद्ध करता है। यहाँ कुछ शब्दावली को प्रयुक्त किया गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार से लिए जाने वाले बलात्श्रम को यह मूल अधिकार, यह अनुच्छेद प्रतिषिद्ध करता है। यदि हम प्राचीन परिवेश की बात करें तो यहाँ पर शोषण प्राचीन परिवेश से वर्तमान परिवेश तक व्याप्त हैं। सिर्फ बदलते परिवेश के साथ शोषण के मायने बदलते गए, शोषण का स्वरूप बदलता गया, तरीके बदलते गए, किंतु आज भी हम शोषण को हमारे संपूर्ण मानवीय सभ्यता और समाज में कहीं भी सभी जगह सर्वत्र हम इसे पाते हैं। अब शोषण और ये जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, शोषण, बलात्श्रम, बेगार, ये है क्या। यदि हम शोषण की बात करें, किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीनना या जो वह प्राप्त करने का हकदार है उसे वह नहीं प्राप्त करने देना, या कार्य का उचित इनाम, पुरस्कार या मेहनताना उसे न देना, ये सभी शोषण का रूप है। और शोषण का जो स्वरूप है वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से हो सकता है। किसी भी प्रकार से शोषण को किया जा सकता है, चाहे वह आर्थिक रूप में हो तो उसे जितना अर्थ या जितना मेहनताना वो प्राप्त करने का हकदार है उसे वह न दिया जाए तो ही हो गया आर्थिक शोषण। मानसिक शोषण, मानसिक अभित्रास देना, मानसिक यंत्रणा देना, इस प्रकार का यदि कोई शोषण का स्वरूप है तो वो भी हमारे यहाँ पर वर्जित है। मानव दुर्व्यापार की अगर हम बात करें तो मनुष्यों या स्त्रियों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना, जी हाँ, यह प्रथा भी हमारे यहाँ प्रचलन में रही है। और दिल दहला देने वाली ये प्रथा है कि मानव को एक वस्तु, एक कमोडिटी मान करके उसकी खरीद फरोख्त की जाती है और औने पौने दामों में। आज भी अनैतिक व्यापार के लिए स्त्रियों का और बच्चों का क्रय विक्रय खुलेआम किया जा रहा है, जबकि आज इतने सारे उपबंध हमारे पास मौजूद है, इतनी सारी कानूनी कवायद हमारे पास है, इतने सारे विधिक नियम होते हुए भी आज भी ये प्रथा है। किंतु फिर भी संविधान में इस अनुच्छेद के द्वारा इस कुरीति पर कई हद तक प्रतिबंध लगाया, कई हद तक इसे दूर करने का भी प्रयास किया गया है। अनैतिक व्यापार करना, दास प्रथा और इस प्रकार के जो भी कृत्य हैं, दास प्रथा अर्थात किसी व्यक्ति को खरीद लिया जाता और जो उसका स्वामी होता, जो उसे कुछ अर्थ देकर, कुछ मुद्रा देकर, कुछ धनराशि देकर के उसके संरक्षक से खरीद लेता था, वो उसे एक दास की भांति जो वो आदेश देता वो काम उसे करना होता था, और वो अपनी सर्वत्र जिंदगी, अपनी सारी जिंदगी उस मालिक के यहाँ शोषित होता रहता, अमानवीय अवस्था में वो कार्य करता रहता। बेगार, बिना भुगतान के अस्वैच्छिक कार्य करना, करवाना या बिना भुगतान के कार्य करवाना, स्वैच्छिक हो या अस्वैच्छिक हो, यदि कार्य के बदले कोई पारिश्रमिक, मेहनताना या भुगतान न दिया जाए तो उसे बेगार कहा जाएगा। श्रम, मानव द्वारा किया गया समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य श्रम की परिधि में, श्रेणी में आता है, जो वस्तुतः अर्थ प्राप्ति के लिए किया गया हो। किंतु बड़े अफसोस की बात है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो श्रम की दशा है वो बड़ी दर्दनाक है, बड़ी अमानवीय स्थिति है, जिसमें हम हर समय हर जगह शोषण को ही व्याप्त पाएंगे। बलात्श्रम, बलपूर्वक डरा धमका कर लिया जाने वाला श्रम, ऐसा श्रम जबरदस्ती शक्तिशाली लोग, राजा, नवाब, सामंत, जागीरदार, जमींदार अपनी शक्ति के बल पर कमजोर और निर्धन लोगों की मजबूरी, उनकी लाचारी का फायदा उठा करके उनसे लिया करते थे, और इस प्रथा को बलात्श्रम के नाम से जाना जाता है। मजबूर और निर्धन लोग अपनी भूख और
पेट की आग को बुझाने के लिए औने पौने दामों में, और कहीं कहीं तो सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए, जो भी उन्हें नसीब नहीं होती थी, दिन भर जी तोड़ मेहनत करवाने के बाद शाम को उन्हें मिलती थी सिर्फ डांट फटकार। और ये प्रथा जो थी वो बलात्श्रम के नाम से हमारे यहाँ पर मौजूद थी। इन सारी प्रथाओं को, इन सारी कुरूतियों को, इस अमानवीय दशा और नारकीय दशा से मानव को एक गरिमामय जीवन सुलभ कराने के लिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार को मानव को गरिमामय जीवन व्यक्त करने के लिए इस अनुच्छेद को, इस मूल अधिकार को प्रदत्त किया गया है। एक महत्वपूर्ण विवाद पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, इस विवाद में न्यायमूर्ति ने अनुच्छेद 23 का विशद वर्णन किया और व्यक्त किया कि शोषण में सभी प्रकार का श्रम, चाहे वो जबरदस्ती लिया हो, चाहे उसमें पारिश्रमिक दिया गया हो, पारिश्रमिक या न दिया गया हो, कम दिया गया हो, सभी प्रकार का शोषण उसमें व्याप्त है, सभी प्रकार का शोषण उसमें सम्मिलित है। और इस विवाद में एशियाड गेम में लगे हुए मजदूरों की मजदूरी का प्रश्न उठा, जिसमें जमादार ने मजदूरों को 9.25 रुपये प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी में से 1 रुपया डरा धमका करके काट लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब इस विवाद को दायर किया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि जमादार के द्वारा 1 रुपया काटा जाना अन्यायिक है, अमानवीय है, और इस 1 रुपये को उन मजदूरों को वापस लौटाया जाए। इस प्रकार जो हमारा संविधान के जो उपबंध हैं वो शोषण के विरुद्ध एक व्यक्ति को अधिकार सुलभ करवाते हैं, और यदि इन अधिकारों का हनन होता है, इन अधिकारों को छीना जाता है या इन अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ रिट के माध्यम से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका रिट पिटीशन दायर करके शोषण को दूर करवाने का प्रयास किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस मूल अधिकार में अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यक्त किया है बालक को संकटपूर्ण नियोजनों में लगाने का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। साथ ही यह बलात्श्रम और बेगार का भी निषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, क्योंकि चाइल्ड इज द एसेट ऑफ आवर नेशन। जी हाँ, 14 वर्ष से छोटे बच्चे, नौनिहाल, कोमल वयस्क बालक, जिन्हें अभी अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होना है, और जिनके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, भारत के एक हम ऐसा सपना संजोते हैं जिनके कंधे पर कि आने वाले समय पर वे हमारे यहाँ की एक मजबूत नींव हैं, जिनके ऊपर हम हमारे सपनों के महल को खड़ा हुआ पाएंगे। लेकिन जब इन बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में, परिसंकटमय नियोजनों में नियोजित कर दिया जाता है और क्रूर नियोजकों के द्वारा इनके ऊपर अमानवीय शोषण किया जाता है, इनसे 18-18 घंटे काम दिया जाता है, और ऐसे उद्योगों में इन्हें नियोजित किया जाता है जो इनके स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः हानिकारक है, तो इन शोषित बालकों को इन्हें इनका बचपन वापस सुलभ करवाने के लिए हमारे यहाँ मूल अधिकार प्रदत्त किया गया है कि 14 वर्ष से छोटा बालक कहीं भी परिसंकटमय नियोजनों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। यदि हम अनुच्छेद 39 के द्वारा देखें तो अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर कर्तव्य अधिरोपित किया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे और आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाए। जी हाँ, अनुच्छेद 39 एक महत्वपूर्ण प्रावधान देता है। जनरली ये जो बालक हैं ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसे संकटपूर्ण नियोजनों में
कार्य करते हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए कतई उपयुक्त तो नहीं है, और वहाँ की जो कार्य दशाएं हैं जहाँ ये घंटों दिन रात बैठ करके काम करते हैं, जहाँ इन्हें औने पौने दामों में बेच दिया जाता है, क्रय विक्रय कर दिया जाता है, और इन्हें वहीं पर शोषित होकर के नारकीय अवस्था में अपने जीवन को बिताना होता है, तो वहाँ पर राज्य से अपेक्षा की गई है, कर्तव्य का अधिरोपण किया गया है कि वह अपने 14 वर्ष से छोटे समस्त बालकों को ऐसे नियोजनों में से छुड़वाए, उनका प्रतिषेध करे और ऐसे दोषी नियोजकों पर पूर्णतः कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी करे। सो यह मूल अधिकार इन समस्त शोषितों को शोषण से निजात दिलवाने के लिए बनाया गया है, और कोई भी आवश्यकता हो, कोई भी मजबूरी हो, कोई भी लाचारी हो, लेकिन फिर भी ये सुकुमार अपने कोमल वयस अवस्था को नष्ट न करें और इन्हें इस तरह से पूरी तरह छुड़वाया जाए अगर ये कहीं ऐसी जगह कार्य कर रहे हों, और साथ ही इनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि सिर्फ कागजी उपबंध बना देने से और सिर्फ नियम कायदों को लिख देने से समस्याएं दूर नहीं होती हैं। यदि हम बात करते हैं कि इन बालकों को नियोजनों में लगाने का प्रतिषेध किया जाए, इन्हें नियोजन में नहीं नियोजित किया जाए, लेकिन फिर भी जब इन बालकों के पास में अगर कोई मजबूरी है, कोई लाचारी है, तो इन्हें वापस मजबूर होकर के उसी नियोजक के पास नियोजन में जाना होता है। अर्थात इनके नियोजन से अगर हम हटाने की बात कर रहे हैं, प्रतिषेध की बात कर रहे हैं, तो इनके पुनर्वास की वापस व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी हम इस मूल अधिकार को वास्तविकता के धरातल पर परिणित होता हुआ पाएंगे। एक महत्वपूर्ण विवाद सर्वप्रथम M.C. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में एक लोकहित फाइल लोकहितवाद सामाजिक कार्यकर्ता M.C. मेहता के द्वारा फाइल किया गया, और जिसमें बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, और जिसमें न्यायमूर्ति के द्वारा कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए गए जो सभी के लिए मान्य हैं। जहाँ अगर नंबर 1 की हम बात करें तो एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए, अर्थात न्यायमूर्ति ने अपेक्षा की कि एक ऐसा वेलफेयर फंड स्थापित किया जाए और उसमें नियोजक के द्वारा प्रतिकर स्वरूप 25,000 रुपये की राशि जमा की जाए, उस बालक को काम से हटा लिया जाए और उसकी जगह उसके परिवार से किसी वयस्क व्यक्ति को काम दिया जाए। नंबर 3, वयस्कों को यदि वैकल्पिक काम देना संभव नहीं है, वहाँ समुचित सरकार बालक के कल्याण कोष में 5,000 रुपये जमा करेगी। वयस्कों को काम न मिले तो संरक्षक इस 25,000 रुपये के ब्याज से उस बालक की शिक्षा पूर्ण करवाएगा, और केंद्रीय सरकार की बालक श्रम नीति के अनुसार कुछ ऐसे कारखानों को निर्दिष्ट किया गया है जहां बालकों का नियोजन पूर्णतः प्रतिषेध होगा। शिवा काशी मेच फैक्ट्री तमिलनाडु, हीरे तराशने के कारखाने गुजरात, मंदसौर के स्लेट और मनकापुर का स्लेट कारखाना, अलीगढ़ का ताला बनाने का कारखाना, मिर्ज़ापुर कि अगर हम बात, फिरोजाबाद का शीशा कारखाना, मुरादाबाद का तांबे के बर्तन बनाने का कारखाना, मिर्ज़ापुर भदोही कालीन बनाने के कारखाने, ये समस्त कारखानों में निर्दिष्ट किया गया है कि कैसे छोटे बालकों को कहीं भी नियोजित नहीं किया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार प्रदत्त कर हमारे संविधान के द्वारा मानव को एक गरिमामय जीवन प्रदान करना प्रदान किया गया है, और एक ऐसा अवसर सुलभ करवाया गया है कि यदि फिर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई शोषण होता है, किसी भी प्रकार का बेगार बलाश्रम परिसंकटमय नियोजन में किसी बालक को नियोजित करने का इस तरह की कोई भी कुरीति या प्रथा मौजूद है कहीं भी, तो रिट के माध्यम से, संवैधानिक उपचारों के माध्यम से इस अधिकार को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।